नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, जय माम बेबी कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रेसिपी बनाने के लिए फूल गोभी लिया है, ये देखिए। तो दोस्तों, फूल गोभी की बहुत सारी रेसिपी आप लोगों ने खाए होंगे, तो आज हम इसकी बनाएंगे दूसरी कोई अनोखी रेसिपी बनाएंगे दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फ्रेश फूल गोभी लिया है, इसको हमने कट कर लिया है इतने इतने भागों में हमने, ये देखिए, साफ पानी से धो भी लिया है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे हमने जो फूल गोभी लिया है तो इसको हम इसमें तरे डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा हम भाप लगाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत टेस्टी नाश्ता हम इसका बनाएंगे। यहाँ पे हमने गोभी डाल दिया है, ये देखिए। तो अब इसके हम इसको हम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करेंगे उबलने तक, उसके बाद हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ये फूल गोभी, ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से भाप लग गई है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने गोभी निकाल ली है, ये देखिए। तो अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे हमने गोभी को, ये देखिए, बारीक कट कर लिया है, इस तरह की कर लिया है। अब इस एक यहाँ पे हमने मिक्स जाल लिया है, इसमें डाल के हम इसको हल्का दरदरा करेंगे इस तरह। यहाँ पे हमने, ये देखिए, गोभी को हमने दरदरा पीस लिया है, देखिए। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच घी। तो दोस्तों, हम बनाएंगे आज बहुत टेस्टी हलवा। उसके बाद हमने जो गोभी को इसमें डाल देंगे, इसको हम थोड़ी देर घी में इस तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने गोभी को फ्राई कर लिया, अब इसको हम निकाल लेंगे थाली में। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे हमने आधा लीटर दूध लिया है, देखिए। यहाँ पे हमने दूध कढ़ाई में डाल दिया है। तो दोस्तों, ये हमारा फुल क्रीम दूध है, आधा लीटर है। तो आप चाहे तो इसमें खोया डाल सकते हैं, दूध का जो खोया बनाया जाता है उसको डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, सूखा दूध जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम दूध को अभी हम थोड़ा सा पकाएंगे गाढ़ा होने तक, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे टेस्टी हलवा। यहाँ पे दूध हमारा उबलने लगा है, ये देखिए। तो इसको भी हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे हमारा दूध गाढ़ा हो गया, तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची दाना। यहाँ पे हमने काजू, बादाम, पिस्ता, थोड़ी से हमने नारियल लिया है, तो इसको हम डाल देंगे, ये देखिए। इसको हम एक साथ पका लेंगे। थोड़ा सा इसमें जो हमारा नारियल है, काजू, बादाम, पिस्ता, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा है गोभी का, इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट डाल दिया है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे दूध के साथ, ताकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आए। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे इस तरह, ताकि जो हमने हलवा बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आए। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, देखिए, चीनी लिया है। तो थोड़ी सी हम बचा लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दिया है, तो अब डाल देंगे थोड़ा सा हम हरा कलर, इसमें हमारे हलवे में अच्छा कलर भी आए, खाने में भी अच्छा, देखने में भी अच्छा लगे, देखिए। यहाँ पे हमारा हलवा बन के रेडी हो गया, ये देखिए। अब गैस को हम बंद कर देंगे, कढ़ाई को हम उतार लेंगे नीचे। यहाँ पे हमने हलवा बना के रेडी कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी हलवा हमारा बन के रेडी हुआ है।
तो दोस्तों इसी तरह आप लोग बना के खा सकते हैं। इतने समय फूल गोभी आ रही है दोस्तों, तो बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं। वो खाने में टेस्टी है और बनाना बहुत सरल तरीका है दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।